जय हिंद, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 15 मई से 21 मई तक के सभी करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, यहां आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड हुम एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, आरबीआई ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स किसे अपॉइंट करा है। तो आपके ऑप्शन है बिमल कुमार, शिवनादर, अनिरुद्धा बजाज, पी एन दास, सितिकांत पटनायक, राजीव रंजन, बालकृष्ण त्रिपाठी, मिनेश आहूजा। तो सही आंसर इसका आपका है सितिकांत पटनायक, राजीव रंजन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, हु हैज़ रिसीव्ड 2022 टेम्पलटन प्राइज। तो आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक, डॉक्टर दिमित्री मोत्रोव, डॉक्टर डेविड कार्ड, डॉक्टर जर्जियो पेरेसी। तो सही आंसर इसका आपका है डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक। जी हाँ, डॉक्टर फ्रैंक विल्जैक को टेम्पलटन प्राइज 2022 मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चारा बिजाई स्कीम। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार। तो सही आंसर इसका आपका है हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने ये चारा बिजाई स्कीम योजना लागू करी है, जिसके तहत गौशालाओं के लिए चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ सहायता राशि दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु हैज़ बिकम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2022-23। तो CII के नए प्रेसिडेंट कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है TV नरेंद्रन, कश्यप रावेल, AK भंडारी, संजीव बजाज। तो सही आंसर इसका आपका है संजीव बजाज। जी हां, संजीव बजाज जी को CII का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE के नए चीफ कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है मनोज आहूजा, निधि चिब्बर, विवेक कुमार देवगन, अनुराधा शुक्ला। तो सही आंसर इसका आपका है निधि चिब्बर। जी हाँ, निधि चिब्बर जी को CBSE का न्यू चीफ बनाया गया है। चलिए अगले सुनते हैं, हु हैज़ बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन हैं। तो सही आंसर इसका आपका है मानिक शाह, करनम कचंद्रा, वीदी वैष्णव, सुशील मोदी। तो सही आंसर इसका आपका है मानिक शाह। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सस्पेंशन फुटब्रिज ओपन्ड इन विच कंट्री, विश्व का सबसे लंबा फुटब्रिज किस देश में खुला है। तो आपके ऑप्शन है चिली, ब्राज़ील, चेक रिपब्लिक, स्पेन। तो सही आंसर इसका आपका है चेक रिपब्लिक। जी हाँ, चेक रिपब्लिक में यह ब्रिज खुला है, यह आप देख सकते हैं, ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुटब्रिज है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ RECT। तो RECT के CMD कौन है। तो आपके ऑप्शन है अनुपम श्रीवास्तव, रविंद्र सिंह ढिलोन, AK वलियान, SK मिश्री। तो सही आंसर इसका आपका है रविंदर सिंह ढिलोन। जी हाँ, रविंदर सिंह ढिलोन जी को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड का बनाया गया है। REC का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसे 1969 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका स्लोगन है एंडलेस एनर्जी इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, असीमित ऊर्जा अनंत संभावनाएं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिस्टोर्ड द ओल्ड पेंशन स्कीम। वह कौन सा पहला राज्य बनाया भारत में जिसने पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी है दोबारा से। तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर इसका आपका है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ वो पहला राज्य है जिसने पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा से लागू कर दी है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, विच कंट्री हैज़ वॉन जूनियर आर्चरी एशिया कप 2022।
वह कौन सा देश है जिसने जूनियर आर्चरी एशिया कप 2022 जीता है? आपके ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया। तो सही आंसर इसका आपका है इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने ये जूनियर आर्चरी एशिया कप 2022 जीता है, जिसमें भारत ने टोटल 14 मेडल जीते हैं, उसमें से 8 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे, 2 ब्रॉन्ज थे। और ये कहाँ खेला गया था? ये इराक में खेला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच कंपनी हैज टॉप्ड फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट 2022? हाल ही में फोर्ब्स की ग्लोबल लिस्ट आई है, जिसमें 2000 कंपनियां लिस्टेड करी गई हैं। उसमें ये बताइए उन 2000 कंपनियों में टॉप करने वाली कौन सी कंट्री है? तो आपके ऑप्शन है सऊदी अरेमको, जेपी मॉर्गन चेस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, बर्कशायर हैथवे। तो सही आंसर इसका आपका है बर्कशायर हैथवे। जी हाँ, बर्कशायर हैथवे वह कंपनी है जिसने फोर्ब्स ग्लोबल 2000 लिस्ट में टॉप करा है। इसमें सेकंड नंबर पे रही है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, थर्ड नंबर पे रही है सऊदी अरेमको, और फोर्थ नंबर पे रही है जेपी मॉर्गन चेस। जैसे आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, लिस्ट में आप पहले नंबर पे आपको दिख रहा हो बर्कशायर हैथवे, दूसरे नंबर पर ICBC इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, थर्ड नंबर पे सऊदी अरेमको, फोर्थ नंबर पे जेपी मॉर्गन चेस। ऐसे ही इंडिया की वह कौन सी कंपनी है जो सबसे टॉप पे रही है? इसमें इंडिया की सबसे टॉप पे कंपनी रही है जिसकी रैंक 53 थी, वो है रिलायंस इंडस्ट्री जिसने इंडिया में टॉप करा है। इस सेकेंड नंबर पर रही है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने 105 रैंक हासिल करी है। आप देख सकते हैं दोनों लिस्ट यहाँ पे दे रखी है आपको मैंने। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। रिसेंटली ईसा सिंह एंड डैश वॉन द गोल्ड मेडल इन मिक्स्ड टीम पिस्टल एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। तो हाल ही में आपने देखा खेला होगा, क्या नाम, मिक्स्ड, हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था। इसमें एक टूर्नामेंट मैच था मिक्स टीम पिस्टल, उसमें ईसा सिंह के साथ कौन था जिनने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपके ऑप्शन है नितिन आर्या, जितेंद्र सिंह, सौरभ चौधरी, निर्मल जैन। तो सही आंसर इसका आपका है सौरभ चौधरी। जी हाँ, सौरभ चौधरी जी ने गोल्ड सौरभ चौधरी और ईसा जी ने मिक्स टीम पिस्टल में गोल्ड जीता था। साथ ही में इसी मैच में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली भी भारतीय थी, उनका नाम है पलक एंड सर्वजोत सिंह, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था इसी मैच में। इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड थे, और हमारे पास एक सिल्वर और आ रहा था। इसमें था रमिता एंड पारत मखीजा, रमिता और एंड पारत मखीजा जी, इन्हें भी सिल्वर जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पद्मश्री डॉक्टर रामाकांत शुक्ला हैज पासड अवे, ही वॉज द एमिनेंट स्कॉलर ऑफ विच लैंग्वेज? हाल ही में अभी पद्मश्री डॉक्टर रामाकांत शुक्ला जी का निधन हो गया है। वह किस स्कॉलर के व्याख्याता करते थे, किस भाषा का व्याख्याता थे? तो आपके ऑप्शन है कन्नड़ा, उर्दू, दोगरी, हिंदी, संस्कृत, कोकड़ी, उड़िया। तो आपका सही आंसर इसमें है हिंदी एंड संस्कृत। तो चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन इनॉग्रेटेड? किस भारत के शहर में पहला अमृत सरोवर खोला गया है? तो आपके ऑप्शन है रामपुर, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या। तो सही आंसर इसमें आपका है रामपुर। ये देख सकते हैं आप ये अमृत सरोवर की फोटोज। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एट विच स्पेस सेंटर इसरो सक्सेसफुली टेस्ट ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 फॉर गगनयान मिशन? तो आपके ऑप्शन है UR Rao सेटेलाइट सेंटर, डिफेंस स्पेस एजेंसी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो सही आंसर इसका आपका है सतीश धवन स्पेस सेंटर। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल? इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल किसे अपॉइंट करा गया है? तो आपके ऑप्शन है नीरज जायसवाल, प्रेम रावत, विनय खोसला,
नवीन श्रीवास्तव। तो सही आंसर इसका आपका है नवीन श्रीवास्तव। जी हाँ, नवीन श्रीवास्तव जी को अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल। चलिए अगले क्वेश्चन लड़ते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन अप्रूव्ड टू रिप्लेस रशिया ऑन दी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? तो आपके ऑप्शन है यूक्रेन, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक। तो सही आंसर इसका आपका है चेक रिपब्लिक। जी हाँ, चेक रिपब्लिक रशिया को रिप्लेस करेगी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। आप जानते हैं हाल ही में रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हुए रशिया ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिजाइन दे दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुई बुटिन के फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन है कैटरीना कैफ, विद्या बालन, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा। तो सही आंसर इसका आपका है दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका पादुकोण जी ब्रांड एम्बेसडर बनी है लुई बुटिन के। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हैज बीन नोटिफाइड एज डैश टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो बताइएगा डैश में क्या आएगा? तो आपका ऑप्शन है 24th, 31st, 45th, 52nd। तो सही आंसर इसका आपका है 52nd। जी हाँ, 52nd टाइगर रिजर्व बनाया गया है ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच कंट्री टॉप्ड इन 24th एडिशन ऑफ समर डेफलंपिक्स 2021? डेफलंपिक्स में किस देश ने टॉप करा है? तो आपके ऑप्शन है यूक्रेन, यूएसए, ईरान, इंडिया। तो सही आंसर इसका आपका है यूक्रेन। जी हाँ, यूक्रेन वह देश है जिसने इस समर डेफलंपिक में टॉप किया है। आप जानते हैं यूक्रेन ने 138 मेडल जीते हैं टोटल, इसमें 62 गोल्ड, 38 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज रहे हैं। इसमें सेकेंड नंबर पे यूएसए, थर्ड पे ईरान और फोर्थ नंबर पे इंडिया रहा है। इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज टॉप्ड टू बिकम लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट इन द वर्ल्ड? वह कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट बना है? तो आपके ऑप्शन है चाइना, यूएसए, जापान, इंडिया। तो सही आंसर इसका आपका है चाइना। जी हाँ, चाइना वह देश बना है जो लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बना है पूरी दुनिया का। इसमें सेकंड नंबर पर यूएस, थर्ड नंबर पर जापान और इंडिया फोर्थ नंबर पर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड भारत टैप इनिशिएटिव एंड निर्मल जल प्रयास एट प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन? तो ये बताइए कि किन्ने लॉन्च करा है? तो आपके ऑप्शन है मनोज जोशी, अमित शाह, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी। तो सही आंसर इसका आपका है हरदीप सिंह पुरी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड लोक मिलनी प्रोग्राम फॉर रीड्रेसल ग्रेवियंसिस ऑफ पीपल? तो अभी हाल ही में ये सरकार किसने करा कि जो लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए लोक मिलनी प्रोग्राम चलाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पंजाब, असम, राजस्थान। तो सही आंसर इसका आपका है पंजाब। जी हाँ, पंजाब वह राज्य बना जिसने ये लोक मिलनी प्रोग्राम चलाया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ लार्सन एंड टूब्रो? तो बताइए आप कि MD एंड CEO किसे बनाया गया है लार्सन एंड टूब्रो का? तो आपके ऑप्शन है विष्णु दोरजी, दिनेश कामनाथ, रमाकांत शुक्ला, SN सुब्रमण्यम। तो सही आंसर इसका आपका है SN सुब्रमण्यम। जी हाँ, SN सुब्रमण्यम जी अपॉइंट करे गए हैं MD एंड CEO ऑफ लार्सन एंड टूब्रो। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति? तो ये बताइए ग्राम उन्नति के चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो आपके ऑप्शन है सुनील अरोरा, अभिषेक त्रिपाठी, संजय शर्मा, तपन अग्रवाल। तो सही आंसर इसका आपका है सुनील अरोरा। जी हाँ, सुनील अरोरा जी को चेयरमैन बनाया गया है ग्राम उन्नति का। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द नॉवल ए प्लेस कॉल्ड होम? ए प्लेस कॉल्ड होम किसने लिखी है?
तो आपके ऑप्शन है स्नेहा रुद्रा, शेफाली सिन्हा, प्रीति शेनॉय, जसलीन कोहली। तो सही आंसर इसका आपका है प्रीति शेनॉय। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इंडियन हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस ऑफ अमेरिका। तो आपके ऑप्शन इसमें है संजय रंधावा, शुभांकर मिश्रा, प्रदीप नंदरोजी और डॉक्टर कमल बावा। तो सही आंसर इसमें आपका है डॉक्टर कमल बावा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बताइए बीएसई के नए चेयरपर्सन कौन हैं। तो आपके ऑप्शन है एसएस मुद्रा, अश्विनी माथुर, विपिन त्यागी, विनायक सिंह। तो सही आंसर इसका आपका है एसएस मुद्रा। जी हाँ, एसएस मुंद्रा सॉरी मैं गलत स्पेलिंग कर गया, एसएस मुनंद्रा जी हैं ये। एसएस मुनंद्रा जी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु हैज वॉन बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन वर्ल्ड कप अवार्ड 2022। बंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 किसे मिला है। तो आपके ऑप्शन है सेसिल एन जबेथ, ओलिविया डेविस, सोफिया जोन्स, इजाबेला इवांस। तो सही आंसर इसका आपका है सेसिल एन जबेथ। ये देखिए ये हैं सेसिल एन जबेथ, ये हैं इन्हों को वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा, विच इंडियन हैज बीन अवार्डेड विथ हाईएस्ट ब्रिटिश ऑर्नरी अवार्ड। तो आपके ऑप्शन है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजय प्रीरामल। तो आपका सही आंसर इसमें है अजय पीरामल। जी हाँ, अजय पीरामल जी को मिला है हाईएस्ट ब्रिटिश ऑर्नरी अवार्ड। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।